एक गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खारू। खारू में अभी सुबह 10 बज रहा है और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। द्रास, कारगिल, सोनामर्ग, जहाँ भी पहुँच पाएंगे आज वहाँ पहुँचेंगे। जितना लंबा हो सकेगा उतना लंबा खींचेंगे। एंड बीच में दो तीन जगह हैं जो लास्ट टाइम मिस हो गई थी, वहाँ नहीं जा पाए थे, तो उनको भी कवर करते हुए चलना है। एंड सुबह लेट थोड़ा हो गया है। स्कूटी तो अपने को टाइम से मिल गई, 8:30 बजे भाई ने बोला था, एग्जैक्ट 8:30 बजे उसने बना के तैयार कर दिया, फ़ोन भी कर दिया था, तो वो सब भी काम हो गया है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आज का व्यू कुछ ऐसा, एकदम क्लियर स्काई है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। एंड ऐसा कुछ अपना रूम था, ये लैपटॉप बैग पैक है, कपड़ों का बैग एंड मिसलेनियस बैग, बस कैमरा इसमें गोप्रो माउंट करना है। एंड ये अपना पानी बॉटल भी एक रख लेते हैं, कभी स्कूटी में रखी है, कहीं पे छोड़ के जाते हैं अपनी निशानी के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। जय भोलेनाथ। उम्मीद करते हैं आज का सफ़र अच्छे से निपटेगा एंड कंप्लीट भी अच्छे से होगा, बस कोई दिक्कत ना हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और यहाँ से 35 किलोमीटर तो अभी ले ही है, एंड ले को स्किप करते हुए आगे बढ़ चलेंगे कारगिल एंड द्रास की तरफ। जुले भाई और अपने साथ जो साथी राइडर थे सशांक भाई, वो जिस्पा पहुंच चुके हैं, जिस्पा में स्टे कर रहे थे कल रात में। 7:30-8 बजे के लगभग पहुंच गए वो जिस्पा। एंड तांग लांगला भी किया उन्होंने, सोकर वाला रूट लिया था माए से कल, पिछले ब्लॉग में ही मैंने आपको बताया। एंड आज शायद वो दिल्ली के लिए डायरेक्ट लगाएं या फिर चंडीगढ़ या अम्बाला में स्टे करें, आई डोंट नो कहाँ तक क्या कर पाते हैं। किलाओं में थोड़ा बाइक का काम भी कराना है, तो अगर मेरा भी ब्रेकडाउन, मेरा मेरी स्कूटी का ब्रेकडाउन ना हुआ होता तो आज मैं भी जिस्पो में ही सो रहा होता भाई, आराम कर रहा होता, ये किलाओं के लिए निकल चुका होता अब तक। अब ये है ठीक से पैलेस ऊपर टॉप पे। राइडिंग में ये सब लगा रहता है, क्या पता आपके साथ कोई दिक्कत या आपके साथी के साथ दिक्कत हो जाए। आप किसी भी बाइक से हो, रेंटेड हो, आपकी खुद की हो या कैसी भी हो, कभी भी बाइक में ब्रेकडाउन हो सकता है या आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपके साथ वाले की हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसका बाइक का ब्रेकडाउन हो सकता है, ये सब लगा रहता है। देखो अगर इसमें आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए ना, तो फिर दिक्कत होती है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे पूरी ट्रिप में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, एकदम मस्त से अपनी पूरी ट्रिप निकल गई। न्योमा में ये था कि भाई का ऑफिस था, अब ज़रूरी है यार, अब उसको तो मैं नहीं बोल सकता, मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि मैं अब ये रूट नहीं लूँगा भाई, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर वो आपके माइंड में बैठ गई तो हद से ज़्यादा दिक्कत कर देगी आपको। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने बोला भाई अगर आपको जाना है आप चले जाओ, नहीं तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ इस रूट से, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आया था मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस रूट पे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं तो भाई आने के तैयार था कि कारू तक चलते हैं, वहाँ से फ्यूल टॉप अप कराएंगे, देन फिर इसके बाद अगर आप लेह मनाली हाईवे करते हो तो इसी रूट से वापस हो जाएंगे, ये हम दोनों का पहले से ही प्लान बन चुका था। बट ऐसा कांड हुआ कि क्या करें भाई, अब दोनों लोग अलग, वो तो पहुँच गए जिसका, अब आज देखो हम कहाँ पहुँच पाते हैं। लेह पहुँच गए फिलहाल तो, 10:30 बज रहा है अप्रॉक्स, और ये मेरा तीसरा विजिट है इस रूट पे, बट आज तक मैं कभी पत्थर साहिब गुरुद्वारे नहीं गया, तो इस बार टाइम भी है तो पत्थर साहिब गुरुद्वारे चलते हैं, दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस मेक्स यू इंजूरियस। जब पहली बार इस रोड में आए थे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी बढ़िया सीनरी लग रही थी, क्या कहें, और आज मन ही नहीं कर रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ। ये होता है जब आप वापसी करते हो, अपनी यात्रा कंप्लीट करते हो, अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो, वापसी करते हो, तब फिर आपको वही चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो आपको सबसे अच्छी लगती थी। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर वापसी करेंगे, और रिकॉर्डिंग शायद अंदर अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक अलाउ होगी वहाँ तक करेंगे, नहीं तो फिर वापस हो लेंगे।
सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। लंगर भी चख लिया, दर्शन भी कर लिए और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। अब निम्मू में रुकेंगे जंस्कार एंड सिंधु का कॉन्फ्लुएंस के लिए। आज तक वो भी कभी नहीं रुके, ना कभी फ़ोटो वगैरह खींची, कुछ भी नहीं किया। हो बहुत ज़्यादा खाली है यार, पेट भर गया एकदम ऊपर तक, कंठ तक। और ये है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पता नहीं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी वहाँ खड़ी कर दो तो ऊपर चली आती है, अगर ऊपर चली आती है तो भाई ये नीचे क्यों जा रही है, भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ना ही मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, चलती चली जा रही है आराम से स्पीड में एकदम भागती हुई। इससे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अगर देखना है तो आप लेह मनाली हाईवे पे देखो, वो सबसे बेस्ट है भाई। उसमें समझ में आता है कि आप ढाल पे हो तब भी आपकी गाड़ी रेस नहीं लेगी, रुक जाएगी वहीं पर ही। इतना मस्त है वो वहाँ का, मतलब कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं, चाहे चढ़ाओ चाहे उतारो सेम वैसा ही रहेगा। चढ़ाई के टाइम आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उतारते टाइम छोड़ दो अपने आप भागती चली जाएगी। आपको एक गुड न्यूज़ दें, पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं, बट एक गुड न्यूज़ देता हूँ आपको। ड्राइविंग लाइक ए हॉर्स पावर नॉट ऑन रम पावर, पैग लगा के नहीं करने का। गुड न्यूज़ सुनो, ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड नेक्स्ट ईयर बन के तैयार, 20 किलोमीटर का पैच केवल बचा हुआ बनने के लिए, माइट भी उसको एक साल का टाइम और लगेगा। तो क्या पता नेक्स्ट ईयर ये रोड ओपन हो जाए जंस्कार के लिए। अगर आपको जंस्कार जाना है, आप एक अच्छी रूट चाहते हो, तो आने वाले समय में ये वाला रूट आप ले सकते हो। और ऐसा मुझको खलसी चेक पोस्ट पे एक पुलिस वाले मिले थे, वो लिंकशेट के ही थे। मैंने उनको बताया कि कल मैं रात में, मतलब जिस समय आ रहा था तो लिंकशेट में रुका था, उन्होंने बताया कि अच्छा वो रोड तो बहुत ख़राब है, बट कोई नहीं, जल्दी ही आपको ये वाला रोड एकदम मस्त कंडीशन में मिलेगा। काम इसमें ऑलमोस्ट ब्लास्टिंग वगैरह का सब कुछ हो चुका है, रोड क्लियरेंस हो रही है, और जितने भी ऑफ रोड पैच हैं, मतलब जो बम्पी रोड है, वो सब भी मतलब प्लेन किए जा रहे हैं। एंड जो टॉरमैक है उसका भी सारा काम हो चुका है, मशीनें वगैरह लग चुकी हैं, एंड काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इस साल तो खैर अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम काम होगा, बट अगले साल जब भी ये स्टार्ट होगा रोड, नेक्स्ट ईयर मार्च से अगर काम स्टार्ट होता है तो अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई अगस्त तक काम कंप्लीट होगा, क्योंकि मॉनसून में भी थोड़ा फ्लो बढ़ जाता है, तो इस वजह से रोड के मतलब पैरेलल ही पानी चलता है या रोड के ऊपर भी कभी कभी आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती काम वाम करने में। बाकी लेट्स सी, अगर अगले साल नहीं हुआ तो 24 में तो 100% ये रोड ओपन हो जाएगा। तो यही एक गुड न्यूज़ थी। तो जो लोग जंस्कार करना चाहते हैं आराम से बिना किसी हैक्टिक राइड एंड ड्राइव के, वो ये रूट ले सकते हैं भाई। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है दोपहर का 1:15 और सतपोल पहुंच चुके हैं, सतपोल क्रॉस भी कर दिए हैं, मतलब सतपोल ही चल रहा है ये। अब बढ़ते हैं आगे खलसी के लिए। ये रहा भाई खलसी, अब यहाँ पे फ्यूल टॉप अप करा लेते हैं, क्योंकि अब सीधे शायद कारगिल में ही पेट्रोल पंप है, कारगिल और द्रास में, तो टैंक फिल करा लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं भाई। तो एंट्री हो गई अपनी चेक पोस्ट में भी, एंड यहाँ से एक रास्ता कारगिल और एक रास्ता बटालिक सेक्टर की ओर जाता है, जो कि मतलब आपको लेके जाएगा लास्ट आर्यन विलेज, वहाँ भी आप जा सकते हो। काफ़ी मतलब 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, आर्यन वैली बोलते हैं उसको, तो 3-4 गांव हैं वहाँ पे आर्यन, जहाँ पे रहते हैं जो मेन आर्यन है वो अभी वहीं रहते हैं, तो उधर कहीं रास्ता है वो, तो
कभी फिर आएंगे जब टाइम होगा, तो पूरा लद्दाख में बहुत कुछ है यार देखने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल ले है कारू या फिर नुब्रा, पेंगोंग, सोमरेरी, फानले, यही सब नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो एक एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम दो दो तीन तीन दिन का टाइम चाहिए। तो कभी आएंगे फुर्सत में, महीनों रुकेंगे यहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। काश जिस एनर्जी के साथ इस रोड से निकले थे वही एनर्जी बनी रहती, कितना मज़ा आता। अब तक जिसपा या क्या पता मंडी वंडी क्रॉस कर चुके होते। और ये है लामा यूरू की मून लैंड, मतलब यहाँ पे मिट्टी के ही पहाड़ हैं, सॉलिड मिट्टी के ही। कहीं पे काली है, कहीं पे मतलब मटमैली है, इधर थोड़ा है पत्थरों वाला एरिया, नहीं तो इधर तो सब ऐसे ही मिट्टी वाला ही है। तो इसको मून लैंड बोलते हैं, और कुछ नहीं भाई। ऐसी मून लैंड आप जब स्पिति में जाते हो तब आप चांगो के पहले एक जगह आती है, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही मून लैंड देखने को मिलती है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं रास्ते में देखने के लिए। आप ध्यान दोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, नहीं ध्यान दोगे सीधे चले जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा। अब यहाँ से शायद नामिकला या फाटुला की चढ़ाई स्टार्ट होती है, हाँ फाटुला की, नामिकला भी 50 किलोमीटर है यहाँ से। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं इस रूट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट फाटुला अप टॉप पे, 14,000 की हाइट पे अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ से सीनरी कुछ ऐसी है, एंड शायद 4 बजने वाला होगा ऑलमोस्ट, तो रुकेंगे नहीं, सीधे क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। ये रहा उसका बोर्ड, जबायुल द इनविजिबल विलेज वे टू हेरिटेज म्यूजियम, वो रहा उसका म्यूजियम। अगर विलेज देखना है आपको तो आपको वहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा चल के, ऐसा कुछ रोड है। थोड़ी दूर तक मतलब वो जो लोहे का ब्रिज देख रहे हो आप, वहाँ तक आप शायद गाड़ी ले जा सकते हो, बाइक वगैरह, और उसके बाद आपको शायद पैदल जाना होता है ट्रैक करके ऊपर गांव तक। अब ऊपर जाती है नहीं ये तो मुझको नहीं पता है, बट आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो वहाँ पे। तो अभी अपने को जाना इधर कारगिल की तरफ, एंड टाइम ऑलमोस्ट 4 बज चुका है शाम का, तो मैं नहीं चाहता फालतू में लेट हो। और अभी भी 80 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से बाकी है, तो निकलते हैं यहाँ से। अभी नामिकला भी आएगा बीच में, नामिकला के बाद फिर कारगिल आएगा, भाई बहुत दूर है अभी। तो ये रहा ले श्रीनगर हाईवे का दूसरा हाई एल्टीट्यूड पास, जो कि 12-13,000 फीट की हाइट पे लगभग, एंड इसके बाद सीधे नीचे उतरते जाना है कारगिल द्रास तक, फिर इसके बाद जोजिला आएगा, जो कि शायद आज ना ही कर पाए भाई। एंड आज का स्टे शायद कारगिल या फिर द्रास, और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब वॉक करते करते वहाँ ऊपर तक पहुँच गया था, उस टावर के पास तक। तो आज नहीं रुकेंगे भाई यहाँ पे, रुकेंगे नहीं, बस यहाँ से आई लव नामिकला को देखते हुए निकल लेंगे। तो कुछ है भी नहीं यार यहाँ पे ऐसा, जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पास कर लेते हो ना तो फिर ये सब ऐसे ही लगता है। तो अभी मैं हूँ मुलबेक में, और यहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी है, मतलब आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, एंड आपको रहने का खाने का हर चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ से कारगिल है 40 किलोमीटर और है। हेलो सी कारगिल, रोड ही रोड दिख रही ना, लो यार मौसम देखो, सनसेट होने वाला है भाई, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड रोड्स आर एक्सट्रीमली गुड बट करवी, डोंट हग देम। फाइनली पहुंच गए हैं, और ये रहा होरखार गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, 500 का रूम पड़ा है, वेज नॉन वेज हर तरह का खाना भी अवेलेबल है। अब चलते हैं, स्टे करते हैं, अंदर का रूम वगैरह दिखाते हैं आपको। तो ऐसा कुछ रूम है, ये रहा वॉशरूम, और मेरा बेड अकेले ही सोना, इतना बड़ा बेड, टीवी भी लगी है, गर्म पानी भी है,
और ऐसा कुछ व्यू आएगा सुबह। तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल शायद बहुत लंबा जाना पड़े। बाकी कल की कल देखी जाएगी, जो भी होगा जहाँ भी लगाएंगे वहाँ की दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं शाम को डिनर पे। और लेह की डिस्टेंस यहाँ से 225 है और कारू की डिस्टेंस 35 है फ्रॉम लेह। तो टोटल आज 260 किलोमीटर की अपनी राइडिंग हुई है भाई। तो अभी चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, 8 बज रहा है रात का, फिर सोया जाए। आ चुके हैं रूम पे, 8:30 हो गया है और खाने में केवल नूडल्स था या तो फ्राइड राइस। मैं एक तो गलत जगह रुक गया भाई, जल्दबाजी काम यही होता है। जब आप फिजिकली या मेंटली दोनों तरह थके होते हो ना, तब यही होता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बस यही लगता है, अब रेस्ट चाहिए तो रेस्ट चाहिए, यहीं मिल गया रूम तो यहीं ले लिया, नहीं तो आगे और भी अच्छी प्रॉपर्टी थी, वहाँ भी चाहता तो वहाँ भी ले सकता था और अपने बजट की भी मिल जाती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। करीब 1-2 किलोमीटर जाना पड़ा खाने के लिए, तो मिल गया कैफे, तो वहाँ पे खा लिया। लास्ट मैं ही था, इसके बाद कोई नहीं था, ओनर थे वहाँ के वो ही बैठे थे एंड जो कुक था वहाँ का वो ही बैठा, बाकी और कोई नहीं था। तो ठीक है, कल फिर निकल लेंगे यहाँ से, कहाँ के लिए पता नहीं भाई, कल की कल देखी जाएगी, जहाँ होगा वहीं पर डेरा डाल देंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा। वैसे तो कुछ था नहीं, बस पत्थर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कर लिए मैंने भी, आपने भी। बस मिलते हैं कल सुबह नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, घूमते रहो एंड